आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चतुर्भुज की रचना से जुड़ी मिथ्या धारणा देखेंगे। क्या एक ऐसे चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण संभव है जिसमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और विकर्ण ए सी 7 सेंटीमीटर के बराबर हो। कई बार हम भ्रमित होकर विकल्प एक का चयन कर लेते हैं क्योंकि हमारे अनुसार चतुर्भुज के 5 मापों, 4 भुजा और 1 विकर्ण का मान ज्ञात है और इस स्थिति में चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण संभव है। परंतु इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 है। सबसे पहले हम दिए गए मापों से एक कच्ची आकृति बनाएंगे और फिर यह जांच करेंगे कि क्या त्रिभुज ए डी सी और ए बी सी का निर्माण संभव है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी जोड़ बी सी बड़ा है ए सी से, ए बी जोड़ ए सी बड़ा है बी सी से, बी सी जोड़ ए सी बड़ा है ए बी से। जांच करने पर हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज अस्मिका की शर्तों को पूरा करता है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का निर्माण संभव है। वहीं जांच करने पर हम ये भी देख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी त्रिभुज अस्मिका की शर्तों को पूरा नहीं करता है, जिस कारण इस त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ए डी जोड़ डी सी छोटा है ए सी से, 2 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर छोटा है 7 सेंटीमीटर से। त्रिभुज ए डी सी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि अब आपको एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करना अच्छे से आ गया होगा जिसकी 4 भुजाओं और 1 विकर्ण की माप हमें पता होते हैं।